तो आज हम लोग रिमेनिंग सम्स जो है इस एक्सरसाइज के वो फिनिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ट्रायंगल एबीसी इज देयर, डीईएफ आर द मिड पॉइंट्स, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू ईसी एंड एएफ इज इक्वल टू एफसी। उसके बाद हमको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है डीईएफ वाला, और फिर रेशियो निकालना है इनके एरियाज का। फाइन, ओके। सो इसको हम लोग इस वे में अप्रोच कर सकते हैं, ये देखो एबी का मिड पॉइंट है डी, एसी का मिड पॉइंट है एफ, तो डीएफ अगर आप ज्वाइन करते हो, डीएफ इज डेफिनेटली पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी। नाउ बीसी का हाफ इज बीई, और बीई हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो डीएफ का लेंथ भी यही होगा। सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, और डी अगर आप ज्वाइन करो तो डी इज पैरेलल टू एसी, डी इज हाफ ऑफ एसी, बट एसी का हाफ क्या है एफसी, एफसी को हमने तीन डैश से रिप्रेजेंट किया है, सो यहाँ पे आएगा तीन डैश। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ अगर आप ज्वाइन करते हो इट इज़ पैरेलल टू बी ए, ई एफ इज हाफ ऑफ बी ए, बी ए का हाफ है डी ए, तो डी ए का रिप्रेजेंटेशन है डबल डैश, तो यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसमें डबल ट्रिपल और फिर ये कर्व है, इस ट्रायंगल में भी डबल ट्रिपल और फिर ये कर्व है, इसका मतलब ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, सो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली ये ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, और फिर ये ट्रायंगल इसको भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बड़े ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगी, a, तो इनकी एरियाज का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट इज a अपॉन 4a विच इज 1/4। तो आपको बस यही करना होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर आपको SSS कॉन्ग्रुएंस लगाना होगा, आपको लिटरली ऐसे लिखना होगा कि ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, जब आप BDE लिख रहे हो तो डबल डैश और फिर ट्रिपल डैश आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे डबल डैश ट्रिपल डैश, तो मतलब FED ऐसे लिखो गया, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। नाउ FED जब आपने लिया तो डबल डैश ट्रिपल डैश, तो इस ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, डबल डैश ट्रिपल डैश EFC, तो EFC एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, तो डबल डैश ट्रिपल डैश, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी डबल ट्रिपल ऐसे जाएगा DAF, DAF, और यहाँ पे आएगा SSS कॉन्ग्रुएंस, बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरियाज आर इक्वल, और फिर आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, सो प्रूफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। फाइन, सो इट्स गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी, दिस बिगर ट्राइंगल ए बी सी, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दिया हुआ है, तो मतलब ए बी का रेशियो और डी ई के साथ इट शुड बी इक्वल टू बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, बट बी सी क्या है, टू बी पी है, और ई एफ क्या है, टू ई क्यू है, टू टू कैंसिल आउट हो गया एंड विल गेट बी पी अपॉन ई क्यू, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। उसके बाद ये एंगल बी और ई बी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये साइड का रेशो इसके साथ इज इक्वल टू आ रहा है बी पी का रेशो ई क्यू के साथ, और फिर बीच का एंगल सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला एंड ये वाला, सो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू, एस ए एस सिमिलैरिटी, बिकॉज दे आर सिमिलर, वॉट यू कैन राइट इज ए बी और डी का रेशो इट इज़ इक्वल टू ए पी और डी क्यू का रेशो, तो ए बी अपॉन डी ई का रेशो इट इज़ सेम एज ए पी अपॉन डी क्यू का रेशो, ये मीडियंस है, ठीक है। तो अब आते हैं एक्चुअल रिजल्ट पे, एरिया ऑफ ए बी सी अगर आप लिखते हो और डिवाइड करते हो एरिया ऑफ डी ई एफ के साथ,
तो ये क्या आएगा, ए बी सी का एरिया अपॉन डी ई एफ का एरिया क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बट हमने अभी प्रूव किया ए बी अपॉन डी ई किसको इक्वल है, ए पी अपॉन डी क्यू, ये मीडियन के लेंथ को प्रपोर्शनल है। तो यहाँ पे आएगा ए पी अपॉन डी क्यू, ये रहा ए पी अपॉन डी इज ए पी अपॉन डी क्यू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी, हो गया, यही प्रूव करना था हमको। तो आइडिया इज कि जब बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये साइड्स प्रपोर्शनल होंगे, फिर बी सी को लिखो टू बी पी, ई एफ को लिखो टू ई क्यू, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगी, ये साइड इसको प्रपोर्शनल, ये बी पी साइड इसको प्रपोर्शनल, बीच में एंगल सेम, तो एस ए एस सिमिलैरिटी है। बिकॉज सिमिलर है तो ए बी का रेशो डी ई के साथ इट इज़ इक्वल टू ए पी का रेशो डी क्यू के साथ, मीडियंस के लेंथ को प्रपोर्शनल होगा। यहाँ तक आपको लिखना है, फिर नॉर्मल रिजल्ट अप्लाई करना है कि इसका एरिया का जो रेशो है इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बट ए बी अपॉन डी ई इज ए पी अपॉन डी क्यू, सो इट इज़ सेम एज ए पी अपॉन डी क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट सेवेंथ इज दिस, वी हैव अ स्क्वायर एंड स्क्वायर के एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, तो एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, इसका साइड है ए, ए का स्क्वायर, फिर यही स्क्वायर आपको लेना है, उसका डायगनल बनाना है, डायगनल के ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से डायगनल का लेंथ है एक्स, तो ये है ए, ये है ए, और ये होगा 90, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ टू ए स्क्वायर, तो एक्स की लेंथ कितनी आएगी, रूट टू ए, और ये एरिया ए टू क्या होगा, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी एरिया क्या होगी, ए टू रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है एक्स, एक्स का स्क्वायर लगाओ, सो विच इज़ रूट थ्री बाय फोर इंटू टू ए स्क्वायर विच इज़ रूट थ्री बाय टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों एरियाज आ गए, अब उन्होंने बोला कि इनका रेशो निकालो, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेशो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ कितना आएगा, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट थ्री कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन बाय टू, ये टू ऊपर जाएगा फोर नीचे, आंसर इज हाफ। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर एट, ए बी सी इज इक्विलैटरल, दिस इज गिवन टू अस, तो क्या होगा कि ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ओके। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट डी इज द मिड पॉइंट, ओके, डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगा बराबर, और फिर बी डी को कंसिडर करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया, तो ये 60, ये हमको 60 रखना है, ऑटोमेटिकली ये 60 होगा, तो ऐसी ज्योमेट्री हमको दी हुई है, ठीक है। तो मतलब ये बड़ा ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लो इस बड़े ट्रायंगल की साइड हमने ए ले ली, तो ये होगा ए बाय टू और ये होगा ए बाय टू, तो बड़े ट्रायंगल के एरिया और छोटे ट्रायंगल के एरिया हम लोग लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इसका एरिया क्या होगा, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, छोटे बी डी ई ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, साइड है ए बाय टू उसका स्क्वायर, सो रूट थ्री बाय फोर, रूट थ्री बाय फोर कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट ए स्क्वायर बाय फोर, एंड फोर ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यू विल गेट फोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंड दे आर सिमिलर, इट्स गिवन दैट दे आर सिमिलर, देयर साइड्स आर इन रेशियो 4:9, मतलब सिमिलर है तो क्या होगा, डेफिनेटली ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो एंड इट इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो, और ये साइड्स का रेशियो दिया है 4:9, तो एरियाज आर इन रेशियो, तो ए वन बाय ए टू अगर हम लोग देखें, ये है ए वन और ये है ए टू, ए वन बाय ए टू का रेशियो क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर क्या होगा, 4 अपॉन 9 का स्क्वायर, 16:81, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, आप इसको अपने एंड पे प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट है तो मुझे पूछो, थैंक यू।